एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किलशॉट। दिस इज सीए रूपा जैन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टीमेट अकाउंटेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसा तरीके का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। चलिए देखते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी कमेंट कीजिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किलशॉट एड्यूलाइज अकाउंटेंट वॉज फाइलिंग 3B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। हाउएवर मनोज कंप्यूटर बिल डिड नॉट अपियर इन 2B। मतलब हम लोग जो है रिटर्न फाइल कर रहे थे 3B का, लेकिन जो मनोज कंप्यूटर है उसका जो बिल है वो 3B 2B में नहीं आ रहा था। एज अ रिजल्ट ही वॉज अनेबल टू क्लेम ITC। जो अकाउंटेंट है वो ITC नहीं ले पा रहा क्योंकि 2B में नहीं आ रहा। हाउएवर मनोज कंप्यूटर अकाउंटेंट क्लेम दैट GSTR 1 वॉज फाइल्ड। हाउ कैन द सेम बी कन्फर्म। अब हम कैसे कन्फर्म करेंगे, वो बंदा बोल रहा है सामने वाला कि हम GSTR 1 फाइल कर चुका है तो कैसे कंफर्म करेंगे। देखते हैं, एक्सेल में जाते हैं। देखिए एक चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है आपको, एक बार एक्सेल में जाके देखते हैं। हमारा जो 2B का ड्यू डेट है वो क्या है, मतलब 2B में जो ऑटो पॉपुलेशन होता है, अगर आप GSTR 1 मंथली फाइलर हो तो 11 तारीख तक आपको फाइल करना है। अगर आप क्वार्टरली, ये मंथली फाइलर्स के लिए, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो आपको 13 तारीख तक करना है, तभी आपके 3B में, सामने वाले के 2B में रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब ये बंदा बोल रहा है कि मैंने फाइल कर दिया, तो उसने लेट फाइल किया होगा, या तो 11 तारीख के बाद किया होगा या 13 तारीख के बाद किया होगा, तभी मेरे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ बंदे ने फाइल किया है या नहीं किया है? सिंपली मुझे चेक करना है GSTR 2A। तो जैसे ही वो फाइल करेगा अप्रैल के 2A में ऑटो पॉपुलेट खुद ब खुद हो जाएगा। तो अप्रैल का 2A मेरे को चेक करना है और डेट देखना है कि कब उसने फाइलिंग की थी। फिर उसको बोलना है कि भैया तुमने तो लेट फाइलिंग किया, लेट फाइलिंग किया तो मेरे 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ। अगर 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा तो मेरे को ITC कैसे मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है देखते हैं। थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं लाई हूँ, थोड़ा देखिएगा। स्किलशॉट अकाउंटेंट डिड नॉट एनेबल बिल वाइज अकाउंटिंग अनेबल नहीं किया। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अनेबलिंग बिल वाइज अकाउंटिंग इन टैली प्राइस। तो बिल वाइज अकाउंटिंग का क्या बेनिफिट है, अगर मैं F11 में जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर आता है अनेबल बिल वाइज एंट्री। अगर इसको नो करेंगे तो अनेबल नहीं डिसेबल हो जाएगा, और यस करेंगे तो अनेबल होगा। तो ये जो बिल वाइज एंट्री है, जो आप देख रहे हो ना बिल वाइज एंट्री, इसका इतना रेलिवेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, काफी अकाउंटेंट बता ही नहीं पाते। तो इसका रीजन क्या है, क्यों ये अनेबल किया जाता है। देखिए हम लोग जो है ना पर्टिकुलर पार्टी का बिल वाइज जो है कितना पेमेंट आया है, कितना पेमेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पता कर सकता है। देखिए कैसे पता होता है इसका, एक है ना आप डिस्प्ले में जाइएगा, डिस्प्ले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DS स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में, पेबल में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा दिखाने लग जाएगा। अगर आप बिल वाइज मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप बिल वाइज मेंटेन नहीं करें, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, पेबल में अगर आप जाएंगे, देखिए बिल वाइज मेंटेन किया हुआ है, तो ये जो बिल है, रेफरेंस नंबर, कितना दिन ओवर ड्यू है, बिल वाइज पता चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एमएसएमई का पेमेंट हमको जल्दी कर देना होता है, अगर हम नहीं करते तो इंटरेस्ट लग जाता है, राइट। तो वो हमको हेल्प करेगा कि कितना एमएसएमई का पेमेंट कितने दिन से ड्यू है, राइट, वो मेरे क्रेडिटर है तो। और दूसरा चीज, अगर हम 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो हम ITC नहीं ले पाएंगे, रिवर्स करना होगा ITC को। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा जो पेमेंट है वो 180 दिन से ज्यादा ड्यू है, ओवर ड्यू चल रहा है। वो अगर हमको नहीं पता होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारी चीजों की वजह से ये जो बिल वाइज एंट्री है हमको करनी पड़ती है। और बिल वाइज एंट्री अगर आप देखोगे, वाउचर अगर मैं सेल्स में जाऊँ, कुछ भी एक बार मैं ले लेती हूँ, रेफरेंस नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, पार्टी ले लेती हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैं एक बार ले लेती हूँ, ठीक है, ये कुछ भी एक बार ले लेती हूँ, मैं आपको बस दिखाने के लिए बता रही हूँ।
अब देखिए, जैसे ही मैं एंटर एंटर करूंगी, ये चीज आता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ये बहुत रेलिवेंट है। जैसे एडवांस में पेमेंट हुआ है या अगेंस्ट रेफरेंस है, किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हो रहा है या नया बिल बन रहा है, इसमें जैसे न्यू रेफरेंस यूज होगा क्योंकि नया बिल बन रहा है। ऑन अकाउंट मतलब मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि किस रिस्पेक्ट में पेमेंट आया है, तो वो ऑन अकाउंट में जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को करना जरूरी है। इसका बेनिफिट तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट, कि कौन सा बिल ड्यू है, कौन सा अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, सारा चीज डिटेल पता चल जाता है। एमएसएमई के लिए बहुत जरूरी है, और जीएसटी जो है आईटीसी के लिए 180 दिन के अंदर अगर हम पेमेंट नहीं करते तो आईटीसी हमको रिवर्स करना होता है, तो उसके लिए भी रेलिवेंट है। आगे चलते हैं, स्किलशॉट अकाउंटेंट रिकॉर्डेड द परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेज वाउचर, व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस। अब फिक्स एसेट मैंने खरीदा है और उसको मैंने परचेज वाउचर में एंट्री कर दी है, तो सबसे पहले ये डीएपी में मेरे परचेज रजिस्टर को इफेक्ट करने लग जाएगा। अगर हम परचेजेस के अंदर डाल दिए फिक्स एसेट को, तो ये मेरे स्टॉक को इफेक्ट करने लग जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करें। अगर हम जर्नल वाउचर में नहीं करते हैं और परचेज वाउचर में नहीं करते, तो क्या फायदा होता है कि परचेज वाउचर जो है हमारा परचेज रजिस्टर अगर आप देखोगे तो आप डिस्प्ले में जाओगे, अकाउंट्स बुक में जाओगे, परचेज रजिस्टर, जो भी परचेजेस की एंट्री अगर होगी तो वो परचेज रजिस्टर को इफेक्ट करने लग जाएगा। तो हमको परचेज रजिस्टर को जो है इफेक्ट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेलिवेंट है, तो ये हमको समझना है। और प्लस हमारा जो फिक्स एसेट है वो स्टॉक के अंदर आ जाएगा अगर हम परचेज के अंदर वो डाल देते हैं, परचेज वाउचर नहीं, सिंपली अगर हम परचेज लेजर के अंदर डाल देते हैं तो वो मेरे स्टॉक को इफेक्ट करेगा, जो कि सही नहीं है। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखनी है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मेगा प्लास्टिक अनाउंसेस बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, हाउएवर द अकाउंटेंट डज नॉट नो हाउ टू रिकॉर्ड द सेम इन टैली प्राइम। अब बाय वन गेट वन में क्या होता है कि दो क्वांटिटी, आपका स्टॉक दो क्वांटिटी से कम हो रहा है, लेकिन आप बिलिंग सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी का करते हो। आपका स्टॉक कितने से कम हो रहा है? दो क्वांटिटी से, और आप बिलिंग कितना का कर रहे हो? एक का। तो उस केस में आप कैसे करोगे देखते हैं। देखिए, एक चीज आता है, F11 में आप जाओगे, ठीक है, यहां पर आप जाइए, ये जो है सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कुछ होगा और बिलिंग क्वांटिटी कुछ होगा। इससे फायदा क्या है कि आपका स्टॉक इजिली मैनेज रहेगा, स्टॉक कम हो जाएगा, और प्लस आपका बिलिंग जो है वो एक ही क्वांटिटी का होगा। एक बार यस करते हैं और कंट्रोल ए करते हैं। अब हम जाते हैं सेल्स के वाउचर में, वाउचर में जाते हैं, यहाँ पर देखिए एक्चुअल आ रहा है क्वांटिटी और बिलिंग आ रहा है। तो ये जो रेट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार करके दिखा देती हूँ तो बेटर रहेगा। एक कोई भी आइटम ले लेते, एक्चुअल एक है, चलो दो है, एक्चुअल जो है दो है और बिलिंग हमको करना है एक पे, रेट है सपोज 5 रुपया। तो ये जो अमाउंट आ रहा है वो 5 रुपया इंटू 1 हो रहा है, मतलब जो बिलिंग अमाउंट है, बिलिंग क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिलिंग और एक्चुअल में यहाँ पर अंतर हो रहा है। स्टॉक कितने से कम होगा? दो से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सेल तो हम दो कर रहे हैं, लेकिन बिलिंग किसका कर रहे हैं? सिर्फ एक क्वांटिटी का। तो ये आपको समझना है, एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी। आगे चलते हैं, और अच्छी चीजें हैं देखते हैं। मेगा प्लास्टिक डिसाइडेड टू मेंटेन स्टॉक डिटेल इन एक्सेल एंड अकॉर्डिंगली पुट द डेटा इन टैली प्राइम। इसका मतलब क्या है कि मैं अपना स्टॉक का डिटेल एक्सेल में मेंटेन करना चाहती हूँ और टैली प्राइम में एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ डायरेक्टली डेटा जो है पुट करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि टैली प्राइम में मेरे स्टॉक का इफेक्ट आए कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक मैं खुद से डालू, ना कि टैली प्राइम खुद से बनाए। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक ऑप्शन आता है F11 में, अगर आप जाएंगे, ये वाला ऑप्शन आता है इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। अगर आप इसको नो करते हैं ना, तो आप जो भी एंट्री कर रहे हैं उसका कोई भी स्टॉक में इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी करते हैं ना, नो करते हैं उसको, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट नहीं। यस करेंगे तो यस, अगर आपको मैं दिखाऊं यस करके, तो आप देखिए पीएल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जो भी आपने एंट्री किया है उसका इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप F11 में चले जाओ और इसको नो कर दो और कंट्रोल ए करो। अब देखिएगा पीएल में, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का अगर आप इफेक्ट देखना चाहेंगे तो यहाँ पर खाली जो ओपनिंग स्टॉक है वही क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है। तो आप मैन्युअली एंटर एंटर करके यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस खुद से लिख सकते हैं, खुद से लिखना चाहे जैसे 1st अप्रैल सॉरी 31st मार्च
2022 मैं ये लिखना चाहती हूँ कि 11 लाख का मेरा जो है स्टॉक है, यहाँ पर मैं जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है वो डाल सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 लाख जो है आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप चेंज करेंगे डेट M22, तो ये हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू खुद से डाल सकते हैं अगर आप एक्सेल में मेंटेन कर रहे हो। आप चाहते नहीं हो कि टैली खुद से डाले, आप खुद से डालना चाहते हो तो आप ऐसे इंटीग्रेट को नो कर दोगे। क्या इंटीग्रेट को नो? इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को नो कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है। मेगा वॉन्ट्स टू प्रोवाइड वन आइटम एज अ सैंपल फॉर इट्स कस्टमर। अगर कस्टमर को मैं एज अ सैंपल प्रोवाइड करना चाहती हूँ जहां पर मैं कुछ चार्ज नहीं कर रही हूँ अपने कस्टमर से, तो वो बिल बनाना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो वो देखते हैं हम टैली में क्या कर सकते हैं, सैंपल की एंट्री कैसे कर सकते हैं। अगर आप वाउचर में जाएंगे और सेल्स में जाएंगे, मैं एक बार एक्चुअल बिलिंग हटा देती हूँ F11 से, ठीक है। आप एक बार सिंपली जाइए सेल्स में, यहां पर कुछ भी एक बार लिख देते हैं, डेट देख लेते हैं, एडुकेशन मोड में आ गया है ये, ठीक है। तो मैं कुछ भी एक बार लिख दे रही हूँ, पार्टी का नाम ले रही हूं। अब यहां पर देखिए, अब मैं एक क्वांटिटी एंटर करती हूँ, रेट अमाउंट कुछ भी नहीं दे रही हूँ, देखते एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। देखिए, मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसा वार्निंग आ गया, ठीक है। तो ये मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं कि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू कुछ भी ना ले? तो आप सिंपली कहां जा सकते हो? ऑल्टर में जा सकते हो, वाउचर टाइप में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो। यहां पर देखिए, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको यस कर सकते हो। यस करने के बाद आपको सिंपली जाना है वाउचर में, आगे ले सकते हैं आप। अब यहां पर आप जैसे एक क्वांटिटी दे रहे हैं, अब यहां पर जीरो लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं दे के भी आप क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। अब देखिए, सेव एक्सेप्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ रहा है, तो कुछ नहीं भी दे के, मतलब अमाउंट और रेट बगैर भी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास है। तो ये अपने आप हमारे स्टॉक को इफेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए आप सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं, बिना पैसे के आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके स्टॉक को वो तो इफेक्ट कर ही रहा है। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन आप वाउचर टाइप में जाके अनेबल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर बताइए, काफी अच्छा लगता है जब बताते। थैंक यू।